तो इस वक्त मैं हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और तो आपको वहाँ सामने दिख जाएगा फन जोन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में, और आज की वीडियो में मैं आपको लेकर आ गया हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जहाँ पे भारत का सबसे पहला गेम जोन खुला है रेलवे स्टेशन पे। और अब आपके लिए ट्रेन के लिए वेट करना बोरिंग नहीं होने वाला है, आप यहाँ पे कई ज़्यादा गेम्स का मज़ा ले सकते हैं। तो वो कौन कौन सी गेम्स हैं, क्या यहाँ की टिकट प्राइस है, टाइमिंग्स हैं, सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो इस वक्त मैं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, और जब आप सीधा यहाँ से अंदर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर आपको वो गेम जोन दिख जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से थोड़ा सा पहले ही आपको दिख जाएगा गेम जोन। पार्किंग की बात करें तो पार्किंग आपको इस तरफ मिल जाएगी, 20 रुपये टू व्हीलर का चार्ज है, और फोर व्हीलर का आई थिंक 50 रुपये 100 रुपये होता होगा। बाकी आने की बात की जाए तो आनंद विहार मेट्रो स्टेशन सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन यहाँ तक का है। तो इस वक्त मैं हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और इधर से जब आप एग्जिट करेंगे या जब उधर से आप आ रहे होंगे तो आपको वहाँ सामने दिख जाएगा फन जोन। यहाँ पर आप कई ज़्यादा गेम्स का मज़ा ले सकते हैं, ये सारी गेम्स आप यहाँ पे खेल सकते हैं, कार रेस, बाइक रेस, बम्पर कार, फ्रॉग हिट, वीआर गेम, टॉय कैचर, किड्स राइड, बास्केटबॉल, एयर हॉकी, 7D सिनेमा भी है यहाँ पे, हॉन्टेड हाउस भी है, और इसके अलावा भी कई गेम्स खेल सकते हैं। तो ये जो फन जोन है, गेम जोन है, ये आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर तो मिलेगा ही, इसके अलावा आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगा और निज़ामुद्दीन के रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगा। नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है उसमें अजमेरी गेट की तरफ से जब आप आ रहे होंगे तो आपको वहाँ पे सेम ऐसा फन जोन दिख जाएगा, वो इससे और भी बड़ा गेम जोन है। ये फन जोन के अंदर जाने के लिए आपको कोई भी टिकट वगैरह की जरूरत नहीं होगी, आप बिना ट्रेन की टिकट के भी अंदर जा सकते हैं, ट्रेन की टिकट के मतलब गेम खेलने के लिए तो लेनी पड़ेगी टिकट। और ये जो फन जोन है ये 24/7 चालू रहता है। तो इधर क्या क्या गेम्स का मज़ा ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस हम गेम जोन के अंदर आ गए हैं, देखिए ये वाली गेम भी खेल सकते हैं, एप्पल पैराडाइज करके ऐसे ऐसे करके। इसके साथ यहाँ पे बम्पर कार्स भी है, देखिए बम्पर कार्स भी हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए भी यहाँ पे कई राइड्स हैं, और एयर हॉकी भी खेल सकते हैं। ये जो झूला है ये भी गोल गोल घूमेगा, बच्चों वाला झूला, और इसके साथ ये वाला झूला भी है, ये भी कई टाइप का झूला, VR गेम है ये एक्चुअली। तो ये आपको हेडसेट सब पहनना होगा, उसके बाद ये गेम खेल सकते हैं, अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, एक टाइप का रोलर कोस्टर सा देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे इस तरफ बाइक रेसिंग गेम और इस तरफ है कार रेसिंग गेम। तो ये एक टाइप का कॉइन सा है, जब गेम के अंदर डालोगे तभी गेम चालू होगी, तो मतलब कोई भी गेम खेलने से पहले यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी तभी गेम खेल सकते। ओके, तो जैसे पर गेम खेलनी है तो उसका लेना पड़ेगा। अच्छा, तो इस वाली गेम खेलने का क्या चार्ज है? 150। ये वाली गेम 150 रुपीज़। कितनी देर तक चलेगी? 5 मिनट चलती है। क्या बात है, देख क्या बात है। तो यहाँ पे आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं, ट्रेन यहाँ पे आपका वेट करेगी, उससे पहले पहले आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, ना सिर्फ ये कई और गेम भी खेल सकते हैं आप। और ये बच्चों वाली, ये वाली गेम 80 रुपीज़ की है। 3 मिनट चलती है। ओके, और ये वाली गेम ये 50 रुपीज़ की, 50 रुपये की गेम है। इसमें एक तरीके से ये आगे पीछे करके अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो ना से। ये टॉय ट्रेन बच्चों की कितने की है? 80 रुपये का इसका राइड का चार्ज है। ये रॉकी की गेम 100 रुपीज़ की है। और ये बास्केटबॉल की, हाँ जी इसके 80 रुपीज़ है। बास्केटबॉल की 80 रुपीज़ के चार्जेस हैं। ये बास्केटबॉल की गेम देखिए चालू हो गई है। ये वाली गेम कितने की है? मेगावायर, ये 50 रुपीज़ की है। ये 50 रुपीज़ में करना क्या होता है? इसमें खेलना होता है, अगर बिना टच करे पार कर देते हो, लेवल क्रॉस अच्छा। कर देते हो तो 50 रुपीज़ वापस आते हैं। अच्छा, 50 रुपीज़ वापस हो जाएंगे। हाँ, तो अगर आप इधर से इसको बिना टच करें ना, इसको आगे तक ले गए तो आपको 50 रुपये वापस मिल जाएंगे। मेगावायर गेम है, यूनिक गेम है। ये 80 रुपीज़ की गेम है दोनों। ये वाली 50 रुपये की है। ये एक बार खेल के दिखाएंगे, पहले कूपन सा मिलेगा उसको अंदर डालना होगा, फिर गेम चालू होगी। इस टाइप से बॉल बार आएंगे, मारना है इसे।
4 लिखा आ रहा है, देखिए यहाँ पे टाइम भी शायद नहीं लिखा रहा है। अच्छा ये टाइम लिखा है साइड पर। बास्केटबॉल शूटिंग भी खेलते बढ़िया बढ़िया। इधर यहाँ स्कोर भी लिखा आता रहेगा। इधर यहाँ पे एक हॉरर हाउस भी है, चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए डेड बॉडी भाई, ये क्या सांप आ गया, उठाओ इसको, उठाओ उठा। अरे भाई ये कहाँ से बाहर आ गए, देखिए हम यहाँ पे एक मिरर मेज भी है और 90 सिनेमा भी, मिरर मेज अभी चालू नहीं है, 90 सिनेमा चालू है। 90 सिनेमा कितने का होगा, चार्ज 100 रुपीज़ का इसका चार्ज है। तो ये है 90 सिनेमा है ये, और इसके लिए आपको ना कुछ इस टाइप की ये ग्लासेस पहनने पड़ेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। और सामने यहाँ पे एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन है तो इस पे एक तरह का रोलर कोस्टर चलेगा, मज़ा बड़ा आएगा, डर भी लगेगा और ये हिलता भी बड़ी तेज़ी से है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर एक्सपीरियंस करें इसे। आउटरन एच डी कोस्ट टू कोस्ट, यहाँ पे है मैक्स टी सुपर बाइक, पूरी बाइक आगे पीछे होती है। तो एक टाइप की वीआर गेम है, तो ये वीआर हेडसेट ऐसे कहते हैं ना, तो इसे डालना पड़ेगा फिर ही गेम खेल सकते हैं। अच्छा डालिए डालिए, देखिए इस टाइप से आपको डालना है और पीछे से गेम ऑन करेंगे। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये एक टाइप का रोलर कोस्टर है, वर्चुअल रियलिटी रोलर कोस्टर, और 100 रुपये इसका चार्ज है, लिखा है ना 100 रुपीज़ वर्चुअल रियलिटी गेम का चार्ज है।
रहा है यहाँ पे। वहाँ सामने गोल करना, देख गोल हो गया, ये नीचे से आएंगे फिर खेल सकते हैं, टाइम लिमिट होती है। तो एक तरह का बिल्कुल नया कंसेप्ट है रेलवे स्टेशन के ऊपर गेम जोन। जी हाँ, रेलवे स्टेशन के ऊपर गेम जोन, मतलब किसी ने एसी वेटिंग हॉल देख लिए होंगे, अच्छा फूड कोर्ट देख लिया होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए इतना ही बढ़िया गेम जोन ये किसी ने सोचा नहीं होगा। तो अब शुरू कर दिया गया है ये गेम जोन, तो आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो ये ज़रूर देख के जाएं। एक तरह से बोरिंग हो जाता है ना अपनी ट्रेन के लिए वेट करना, तो अब वो बोरिंग नहीं होने वाला है अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने नहीं किया तो।